इस देश में गोबर को देवता बनाया जा रहा है। सत्यनारायण कथा कहने, झूठनारायण कथा कहने में आप सभी लोग शागिर्द हैं। ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आकर के सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहता है और कहता है कि इदं विधं समर्प्यामी गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा च, का पांच नदी का नाम लेगा तो कुआं का पानी हो जाएगा गंगा जल, और गंगा का जल मान करके आप गोबर पर छीट देते हैं तो बहुत गौर गणेश देवता हो जाता है। तो जब गोबर देवता हो सकता है तो गंगा में ये अछूत भारत में चमार दूसरा डोमहर घोर कहला, आदिवासी कहला, सबको गंगा में झमार झमार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाए। मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। ब्रह्मवाद का क्या पहचान, साफ कपड़ा साफ निशान, इति औंठी बधि ये क्या है। साथियों, अर्जक संघ एक सामाजिक संगठन है और सांस्कृतिक संगठन के हमारे पदाधिकारी जो वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे वो आप देखेंगे चंद मिनट में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन मैं कुछ अर्जक संघ जो मानववादी संगठन है, जो बुद्ध परियार ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर रैदास, संत गाडगे, ऐसे महामाना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, ललन सिंह यादव, जगदेव बाबू जैसे सामाजिक योद्धाओं के विचारों को भारतीय जो ब्राह्मणवादी संस्कृति किया है, जो बुद्ध ने और कबीर ने जो सपना देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तर्क पर तर्क संगत विचारों को स्थापित करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अर्जक संघ जानो, अर्जक संघ का बेस है, सिद्धांत है, जानो तब मानो। हमारे लोग कुछ अभी तक नहीं जाने हैं, इसमें बड़े हमारे पढ़े लिखे साथी हैं जो हाथ में बधी, जिसको जगदेव बाबू कहे थे कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। ब्रह्मवाद का क्या पहचान, साफ कपड़ा साफ निशान, औंठी बधि ये क्या है। विज्ञान के कसौटी पर कस करके देखिए। मार्क्स ने कहा हर कारण कार्य के पीछे कारण होता है। आप पढ़े लिखे आदमी आज तक नहीं समझे पदार्थवाद के नियम को। पदार्थवाद जिस बुद्ध ने कहा विज्ञान किसी भी सत्य को तब मानो कसौटी पर कसो। सत्य को इस देश में सत्य का हत्या किया गया है और झूठ को स्थापित करने का काम किया है। जिस देश में जिस व्यवस्था में झूठ ले भीख लेने वाला उच्च और भीख देने वाला 90% नीच बना हुआ, उसी संस्कृति के हम बाहक बने हुए हैं। जिस देश में गोबर को देवता बनाया जा रहा है, सत्यनारायण कथा कहने, झूठनारायण कथा कहने में आप सभी लोग शागिर्द हैं। ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आकर के सत्यनारायण झूठनारायण कथा कहता है और कहता है कि इदं विधं समर्प्यामी गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदा च, का पांच नदी का नाम लेगा तो कुआं का पानी हो जाएगा गंगा जल, और गंगा का जल मान करके आप गोबर पर छीट देते हैं तो बहुत गौर गणेश देवता हो जाता है। तो जब गोबर देवता हो सकता है तो गंगा में ये अछूत भारत में चमार दूसरा डोमहर घोर कहला, आदिवासी कहला, सबको गंगा में झमार झमार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाए। तो गंगा में हम इंसान स्नान कर रहे हैं, दलित पिछड़ा तो शुद्ध नहीं हो रहे हैं, गोबर पर गंगा का पानी छीट देने से तुम देवता बना रहे हो। इस पाखंड को सोचना समझना कौन समझेगा। 90% बैकवर्ड हम ब्राह्मणवादी संस्कृति को ढो रहे हैं और हम मानववाद का अहित कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बुद्ध का हत्या कर रहे हैं, कबीर को हम नहीं समझ रहे हैं। कबीर ने तो आज से 600 वर्ष पहले कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार। इससे बड़ा ज्ञान में और क्या समाएगा जी। रैदास ने कहा कि सत्संग कर रही हो माधव, सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीर। ए इंसान, ए बैकवर्ड, ए दलित पिछड़ा, सत्संग करके आपस में विचार करके एक साथ रहो जैसे मधुमक्खी अपने छत्ता में लाखों करोड़ों मधुमक्खी एक साथ चिपक करके गुनगुनाता रहता है उस तरह से चिपक के। इससे बड़ा ज्ञान की बात और क्या हो सकता है। जो कबीर स्याही मशक कागज कभी नहीं पकड़े, इतना बड़ा दार्शनिक, इतना बड़ा विचारक, और उनको भारत की धरती पर यह आर्ज अपना शिष्य नहीं बने।
कबीर का अनुयायी नहीं बने, बुद्ध का अनुयायी नहीं बने, लेकिन ये झूठ मनुस्मृति का, ये रामा, ये भारत के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया 90% के का जो अधिकार दिया, अरे जूता चप्पल नहीं पहनो, खराउन खरपा नहीं पहनो, ऊंच आसन पर मनुस्मृति इसका प्रतिनिधित्व करता है, खराउन खरपा नहीं पहन सकते हो, कमर में झाड़ू गर्दन में घंटी, उसी का प्रतिनिधित्व हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे 90% लोग अगर सजग हो जाएं, तो 10% आज भी जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे फित्ता खोलने में गौरवान्वित होंगे कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को आपको लागू करना होगा। क्यों आज वेद प्रकाश जी और अंजू जी का जो वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा, क्यों भारत की धरती पर गैलीलियो न्यूटन आइंस्टीन फोर्ड जेम्स वाट क्यों नहीं पैदा हो रहा इस देश में, आसाराम बापू राम रहीम निर्मल बाबा दांती महाराज ये पैदा हो रहे हैं, हमको आइंस्टीन पैदा करना होगा, ये धार्मिक सेंटीमेंट को उखाड़ फेंकना होगा। और आज बताइए ऐसी व्यवस्था को हमको उखाड़ फेंकने का अर्जक संघ संकल्प किया है, और अर्जक संघ ये जानो तब मानो वाला सिद्धांत को आप लोग अख्तियार कीजिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम करते हुए इस कार्यक्रम का मैं हार्दिक अभिनंदन वेद प्रकाश जी का मैं करता हूँ। जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय ललित सिंह यादव, जय राम स्वरूप वर्मा।